compound having same molecular formula, compounds having same molecular formula same molecular weight compounds having same molecular formula same molecular weight but differ in at least one of the physical or chemical properties are called isomers and the phenomenon is called isomerism compound having same molecular formula same molecular weight but differ in the at least one of the physical or chemical properties are called isomers and the phenomenon will be called as isomerism jaise maan lo tumhare samne hum aise example likhe CH4 CH3D CH2D2 CHD3 CD4 सब मिथेन है सबका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या ये आइसोमर है किस कारण से ये आइसोमर नहीं कहलाएंगे मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन मॉलिकुलर वेट अलग अलग है इसलिए दे आर नॉट ट्रू आइसोमर्स बट दे आर समटाइम्स स्पेसिफाइड कॉल्ड एज आइसोटोपिक आइसोमर आइसोटोपिक आइसोमर इसे हम लोग बोल देते हैं लेकिन ट्रू आइसोमर ये नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है सिमिलरली CH3 सी डबल बॉन्डेड ओ CH3 और CH3 सी डबल बॉन्डेड ओ CH3 ये ऑक्सीजन 16 ये ऑक्सीजन 18 अगेन आइसोटोपिक आइसोमर दे विल बी कॉल्ड एज आइसोटोपिक आइसोमर बट दे आर नॉट अ ट्रू आइसोमर रिमेंबर आइसोटोपिक आइसोमर्स आर नॉट अ ट्रू आइसोमर molecules having same molecular formula but same molecular weight also they are called isomers and they should differ in at least one of the physical or one of the chemical property then they will be called as isomers phenomenon will be called as isomerism isomerism is classified into two parts structural or constitutional isomerism constitutional isomerism structural ya constitutional isomerism dusra part space or stereo isomerism structural and structural or constitutional or space or stereo isomers do bhag mein banta gaya स्ट्रक्चरल में आगे छह क्लासिफिकेशन चेन आइसोमेरिज्म पोजीशन आइसोमेरिज्म रिंग चेन आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म ये छह भाग में बांटा गया स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल को स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड तीसरा कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस
तो ये तीनों नौ पार्ट को हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पूरे नौ के नौ इतने बड़े बड़े पार्ट नहीं है, पहला चार पांच तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो टाइम लगेगा वो सबसे ज्यादा टाइम लगता है टॉटोमर में, जीआई में, ओआई में। ये तीन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बाकी सब तो सिंपल सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा क्लियर डेफिनेशन, क्लियर कंसेप्ट रखना है। कब चेन बोलेंगे, कब पोजीशन बोलेंगे, कभी कभी पोजीशन वाला चेन भी दिखता है, चेन वाला पोजीशन भी दिखता है, लेकिन सब चीज का रूल है। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होता है आइसोमरिज्म में कि द टू आइसोमर्स शुड बी आइसोलेटेड या कैन बी आइसोलेटेड सेपरेटली। आइसोमर्स शुड बी आइसोलेटेड सेपरेटली, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है आइसोमेरिज्म का। हो सकता है कि आपको पेन पेपर पे देखने में लगे कि यार ये दोनों आइसोमर तो हैं, लेकिन आप किसी भी प्रकार से उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी प्रकार से उसको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर दो सेपरेट नहीं हुए तो वो आइसोमर कभी नहीं कहलाएंगे। अगर उनका फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी अगर थोड़ा भी एक भी अगर अलग अलग हुआ, देन दे कैन बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स। अगर दो आइसोमर या दो मॉलिक्यूल देखने में आइसोमर लग रहा है, लेकिन अगर उसे सेपरेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर विल बी नॉट कॉल्ड एज आइसोमर, दे विल बी नॉट कॉल्ड एज ट्रू आइसोमर, दे विल बी नॉट टर्म्ड एज आइसोमर्स। सो इन जनरल ऐसा सिचुएशन बहुत ही रेयर आता है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आएगा, लेकिन हम अभी से आपको बता दिए कि भाई आइसोमर बोलने के पहला कंडीशन है कि दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी मीन्स। इफ दे आर नॉट बीइंग एबल टू सेपरेट ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, देन दे विल बी नॉट कॉल्ड एज आइसोमर्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म से, और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सबसे पहला पार्ट दैट इज चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म नोट करो डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफर इन मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफर इन कार्बन कार्बन लिंकेज और कार्बन कार्बन स्केलेटन, बट डिफर इन कार्बन कार्बन लिंकेज और कार्बन कार्बन स्केलेटन इन द मॉलिक्यूल, बट डिफर इन कार्बन कार्बन लिंकेज और कार्बन कार्बन स्केलेटन इन द मॉलिक्यूल। बेसिकली द टू चेन आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन। बेसिकली द टू चेन आइसोमर्स हैव ऑलवेज डिफरेंट प्रिंसिपल कार्बन चेन। Basically, the two chain isomers have different principal carbon chain. अब जैसे मान लो तुमसे बोले कि consider hydrocarbon, फिलहाल hydrocarbon ही consider करो। एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन मीथेन है, इसका कोई चेन आइसोमर नहीं होगा। दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन इथेन है, मात्र एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका कोई चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तीन कार्बन वाला का भी कोई चेन आइसोमर पॉसिबल नहीं है, आप कार्बन कार्बन का स्केलेटन को चेंज ही नहीं कर सकते, तीनों अगर कनेक्ट होगा तो एक ही लाइन में कनेक्ट होगा। चार कार्बन वाले का CH3, CH2, CH2, CH3 एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरा पॉसिबिलिटी है CH3, CH, CH3, CH3। ये दो कार्बन के स्केलेटन पॉसिबल है चार कार्बन में, तो ऑब्वियसली ये दोनों का हम क्या बोलेंगे, दे आर चेन आइसोमर।
They are different in carbon-carbon skeleton, therefore they are chain isomer. They are different in carbon-carbon linkage, therefore they are chain isomer. Yeah, they differ in their principal carbon chain. यहाँ पर principal carbon chain 4 carbon का, यहाँ principal carbon chain 3 carbon. Principal carbon chain का अंतर होगा ही होगा, और उसे हम लोग chain isomer कहेंगे. Okay, 5 carbon अगर आ गया, तो पहला स्केलेटन है ये 5 कार्बन का लिंकेज, दूसरा स्केलेटन है ये 4 एक ब्रांचिंग कर दी, और तीसरा पॉसिबिलिटी, चौथा पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है. 5 कार्बन के चेन में चौथा पॉसिबिलिटी होता ही नहीं है. 5 कार्बन के सिर्फ 3 ही डिफरेंट स्केलेटन होते, 5 कार्बन के 3 ही डिफरेंट स्केलेटन होते, पहला, दूसरा और तीसरा. क्लियर? 6 कार्बन अगर है, कितने डिफरेंट स्केलेटन पॉसिबल है? मान लो ये लीनियर, दूसरा 5 कार्बन कर दिए एक ब्रांचिंग, दूसरा कार्बन में ही ब्रांचिंग अगर हम यहां पर कर दिए, चौथा 4 कार्बन में 2 ब्रांचिंग, पांचवा 2 ही कार्बन पे 2 ब्रांचिंग, एक ही कार्बन, एक कार्बन वाला एक फॉर्म, 2 कार्बन वाला एक फॉर्म, 3 कार्बन वाला भी एक फॉर्म, 4 कार्बन वाला 2 फॉर्म, 5 कार्बन वाला 3 फॉर्म, 6 कार्बन वाला 5 फॉर्म. यहां तक कम से कम आपको याद रखना है कि 5 फॉर्म्स बने, 5 डिफरेंट स्केलेटन्स, 5 डिफरेंट स्केलेटन्स. Five different skeleton. अब देखो, every carbon-carbon skeleton is provided a skeleton number. Skeleton number is a two-digit number. For example, 4, 2. The first digit represent the number of carbon present in principal chain. The second digit represent number of carbon-carbon branching. हर carbon-carbon के skeleton को हम लोग बोलेंगे, एक स्केलेटन नंबर दिया जाता है. पहला डिजिट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द प्रिंसिपल, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल कार्बन चेन, और दूसरा डिजिट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन ब्रांचिंग. जैसे यहां पर तो कोई दूसरा चेन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम लोग इस स्केलेटन का नंबर देते ही नहीं. चाहो तो दे दो 30, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 और कार्बन कार्बन का ब्रांचिंग 0, 30, इसका क्या पड़ेगा 40, इसका क्या पड़ेगा 31, प्रिंसिपल कार्बन चेन में 3 कार्बन और 1 कार्बन का ब्रांचिंग. यहां पर 50, यहां पर 41, यहां पर 32, समझ में आ रहा सबको? यहां पर 60, 51, 51, 42, 42, 4 chain isomerism. The molecule should have different skeleton number. बस इतना दिमाग में रखना है. For chain isomerism, the molecule should have different skeleton number. जिसका skeleton number different हो गया, definitely it will be a chain isomer. For chain isomerism, they should have different, molecule should have different skeleton number. For chain isomerism, the molecule should have different skeleton number. For chain isomerism, the molecule should have different skeleton number. Agar molecule ka skeleton number alag alag hai, then there will be a chain isomer. Ab dekho, no doubt, ye dono aapas mein chain isomer. Obviously, ye tino ke tino aapas mein chain isomer. लेकिन यहां ध्यान रखना, अगर सवाल में ये दोनों को अलग से निकाल के पूछ दिया कि बताएं इन दोनों में क्या रिलेशन, तो चूंकि इनका स्केलेटन नंबर सेम है, दे आर नॉट अ चेन आइसोमर. ये दोनों को अलग से निकाल के पूछ दिया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है,
they are not a chain isomer. They can be some different isomer, but they are not a chain isomer. बस समझ में आ रहा है? लेकिन इसे निकाला और बाकी चारों में से किसी एक और को ले लिया, तो इसके हिसाब से ये बाकी क्या है? चेन आइसोमर. ये चेन आइसोमर, ये भी चेन आइसोमर, ये भी चेन आइसोमर, ये भी चेन आइसोमर. बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? कभी सवाल पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ चेन आइसोमर ऑफ मॉलिकुलर फॉर्मूला C6H14. मान लो ऐसे सवाल दिया, ये हेक्सेन ही है ना, हेक्सेन का मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा? C6H14. सवाल मॉलिकुलर फॉर्मूला देके बताया कि हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C6H14. तो बात ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट इट इज कंसिडर्ड नॉर्मल, मतलब कि लीनियर. By default it is considered linear. Linear के हिसाब से इसके total कितने chain isomer होंगे? Answer हो जाएगा 5. 4 मत लिख देना, क्योंकि जो linear वाला है वो अपने आप में isomer है. जो linear वाला है वो अपने आप में एक different isomer है. तो linear वाले के हिसाब से total chain isomer कितने होंगे यहाँ पर? 5. ये दोनों भी आइसोमर है, ये दोनों भी आइसोमर है, ये दोनों भी चेन आइसोमर है, ये भी दोनों चेन आइसोमर. टोटल चेन आइसोमर पॉसिबल इज 5. लेकिन सवाल में अगर इन दोनों को बिल्कुल अलग से निकाल कर पूछा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, वो चेन आइसोमर नहीं है. ये दोनों में क्या रिलेशन है? चेन आइसोमर नहीं है, बिकॉज देयर स्केलेटन नंबर आर सेम एंड द टू चेन आइसोमर कैन नेवर हैव अ सेम स्केलेटन नंबर. फाइव वन का चेन आइसोमर कौन कौन सा है? तो 1, 2, 3, 4. बिल्कुल, 5-1 के चेन आइसोमर कितने? 4. एक तो खुद ही है, बाकी 3 और पॉसिबल है. हाँ हाँ, इसको भी काउंट करें. मैंने आप बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में पूछ रहा है कि इसको छोड़ के 100% इसके चेन आइसोमर अगर पूछ रहा है तो ये सबको काउंट होगा, क्योंकि इसके हिसाब से आइसोमर पूछ रहा है. जब भी फॉर्मूला दे दे तो फॉर्मूला को हमेशा लीनियर मानते हुए लीनियर के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ आइसोमर काउंट करना है, और जो आइसोमर दिया हुआ है वो अपने आप में एक आइसोमर है. ओके, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन अल्केन टू शो चेन आइसोमेरिज्म कितना? 4. ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है. हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन अल्कीन टू शो चेन आइसोमेरिज्म? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्कीन टू शो चेन आइसोमेरिज्म? 3 में होगा क्या? ये अल्कीन बना दिए, अब इसका स्केलेटन कभी चेंज कर पाओगे? 3 कार्बन का स्केलेटन चेंज हो पाता है? नहीं. अगर 4 लगा दिए तो चेंज हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा? हो गया चेंज. समझ में आ रहा है? तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्कीन टू शो चेन आइसोमेरिज्म इज 4. सिमिलरली द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड इन एनी अल्काइन टू शो चेन आइसोमेरिज्म विल बी? क्यों, यहां 4 बनी होगा? पक्का 4 में कोशिश करोगे तो कार्बन का 5 वैलेंसी हो जाएगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर हम 4 कार्बन का ले लेंगे स्केलेटन अल्काइन, ब्रांचिंग यहां से यहां जहां किए, यहां कर दिए अगर ब्रांचिंग, तो 5 बॉन्ड हो जाएगा ना. इसलिए कम से कम एक और कार्बन लेके आ जाओ,
और एक और कार्बन अगर है आपके पास तो यहां पर एक ब्रांचिंग कर लो, क्लियर। सो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्काइन टू शो चेन आइसोमरिज्म इज 5। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्कोहल टू शो चेन आइसोमरिज्म, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्कोहल टू शो चेन आइसोमरिज्म विल बी 3 में हो जाएगा चेन आइसोमरिज्म पक्का। 1 2 3 OH, 1 2 3 OH, यही वाला बोल रहे हो क्या? ये दोनों चेन आइसोमर हैं? अरे क्यों नहीं है, है? इसलिए नहीं है क्योंकि चेन को ऐसे लीक या ऐसे लीक बात बराबर होता है। यहां भी प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 का, यहां भी प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 का। 3 कार्बन को तो आप ब्रांचिंग कर ही नहीं सकते। यहां पर भी आंसर क्या आएगा? 4। जैसे मान लो तुमसे बोले कि 4 कार्बन और OH लगा हुआ है, फिर 4 कार्बन में ब्रांचिंग कर दिए, यहां OH लगा हुआ है, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? They are chain isomer. Okay. Last, the minimum number of carbon required for any aldehyde to show chain isomerism. Minimum number of carbon required by any aldehyde to show chain isomerism. How many? मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड बाय एनी एल्डिहाइड टू शो चेन आइसोमेरिज्म, कितने बोले? 3। 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्डेड ओ एच, 3 3 डबल बॉन्डेड ओ एच। अब इसका क्या बिगाड़ लोगे? कार्बन चेन को कुछ चेंज किया जा सकता है? बोलो। 100% एल्डिहाइड का कार्बन क्या माने? पड़ोसी का कार्बन है। हाउ मेनी कार्बन मिनिमम इज रिक्वायर्ड बाई एनी एल्डिहाइड टू शो चेन आइसोमेरिज्म? एल्डिहाइड का कार्बन को काउंट करेंगे ही करेंगे, 100% काउंट करेंगे। 3 में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन 4 में जरूर हम लोग ब्रांचिंग कर सकते हैं। यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन का, यहां प्रिंसिपल कार्बन चेन 3 कार्बन का, इसलिए आंसर यहां पर भी हुआ 4। आगे लिखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफर इन, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफर्स इन द पोजिशन ऑफ बट डिफर्स इन द पोजिशन ऑफ any atom, differs in the position of any atom or any group or even multiple bond, differs in the position of any atom or any group or even multiple bonds, उसे position isomer कहा जाएगा। For position isomerism, the skeleton number should be same. सबसे important condition. For positional isomerism, the skeleton number should be same. अब skeleton number should be same का क्या मतलब है? There should not be chain isomer. Position isomer बोलने के लिए chain isomer नहीं होना जरूरी है। अगर chain isomer दिख रहा है तो chain isomer आंसर देंगे, position नहीं देंगे। For positional isomerism, the skeleton number should be same. जैसे अभी जो हम लोग 6 कार्बन वाले में पढ़े थे कि 2 मिथाइल इधर, 5 2 5 2
सॉरी 4242। यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन चार कार्बन का ये कभी भी चेन आइसोमर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? यहां पे दो मिथाइल का पोजीशन चेंज हुआ है, दे आर पोजिशनल आइसोमर ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये है 2.2 डाइमिथाइल, ये है 2.3 डाइमिथाइल। कार्बन कार्बन OH, कार्बन 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 OH, क्या रिलेशन इन दोनों में? प्रिंसिपल कार्बन चेन तीन कार्बन का, प्रिंसिपल कार्बन चेन तीन कार्बन का, बस अंतर सिर्फ इतना ही है कि ये एक नंबर कार्बन पे हो चाहे ये दो नंबर कार्बन पे हो चाहे, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। समझ में आ रहा? सिमिलरली अगर हम लोग डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे लगा दें, डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे लगा दें, क्या है इन दोनों में रिलेशन? एक 1-butene है और एक 2-butene है, कार्बन चेन का स्केलेटन बिल्कुल सेम है, 4040, दे आर पोजिशनल आइसोमर्स। कार्बन 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 CN, कार्बन 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 CN, क्या इन दोनों में रिलेशन? क्या है इन दोनों में रिलेशन? वेरी गुड। कार्बन का स्केलेटन अगर सेलेक्ट करना है तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू होता है। चार कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, तीन कार्बन का प्रिंसिपल कार्बन चेन, दे आर चेन आइसोमर। समझ में आ रहा? दे आर नॉट अ पोजिशन आइसोमर, यानी कि CN का पोजिशन चेंज हो गया। क्लियर? ओके। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अल्केन फॉर PI पोजिशनल आइसोमर्स। एक अल्केन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना चाहिए ताकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो सके? मैंने आपके सामने देख के भी नहीं बोल पा रहे। एक कार्बन का चेन, एक फॉर्म, दो कार्बन, दो ही फॉर्म, तीन कार्बन, एक ही फॉर्म, चार कार्बन, दो फॉर्म, लेकिन वो दोनों फॉर्म चेन आइसोमर। पांच कार्बन वाला तीन चेन आइसोमर, छह कार्बन में पॉसिबिलिटी बना था पोजीशन आइसोमर का, जो ये पहला एग्जांपल है। आंसर 6। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी अल्कीन टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ऑब्वियसली 4। अल्काइन तीन में ही, अल्काइन में मिनिमम कितने नंबर ऑफ कार्बन चाहिए ताकि वो पोजिशनल आइसोमेरिज्म शो कर सके? 3, 4, 5, 4, बिल्कुल सही है इसमें 4, क्योंकि डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दे, क्या दिक्कत? 1-butene, 2-butene, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन फॉर एनी अल्कोहल टू शो चे पोजिशन आइसोमेरिज्म। अल्कोहल देख रहे हो ना, तीन कार्बन में ही पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो गया। 3, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर एनी एल्डिहाइड टू शो पोजिशनल आइसोमेरिज्म, सोचना है, सोचना है। एक एल्डिहाइड में पोजिशनल आइसोमेरिज्म अगर चाहिए तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? 4, 1, 2, 3, 4। चलो इसका पोजिशन आइसोमर बनाओ। बनाओ 1, 2, 3, 4, 5 में बनाओ। 5 में नहीं बनेगा पक्का। 1 हटाए यहां से, यहां लगा दिए, चेन आइसोमर हो रहा है क्या? पक्का? ये दोनों आपस में क्या है? चेन है, प्रिंसिपल कार्बन चेन 4, प्रिंसिपल कार्बन चेन ये है 2-methyl, ये 3-methyl, हो गया पोजिशनल आइसोमर। आंसर इज 5। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।